सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू मेगा टेक्स पॉड। आपके यहाँ पे स्वागत है गाइस। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं पोको एक्स थ्री के बारे में। जैसे आपको पता है, फाइनली इंडिया में ये कल के दिन लॉन्च हो गया है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, साथ में आपको इसके स्पेसिफिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको यही बताऊँगा क्या चेंजेस वगैरह सब लॉन्च हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी यूरोप में लॉन्च हो चुका था। तो गाइस इन डिटेल होने वाली वीडियो फोन के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखते रहेगा गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दूँ, पोको एक्स थ्री यहाँ पे आपको विदाउट NFC देखने को मिलने वाला है। जैसे आपको पता है, यहाँ पे यूरोप में NFC के साथ लॉन्च हुआ था, लेकिन गाइज यहाँ पे इंडिया में NFC देखने को नहीं मिलेगा इस वेरिएंट में। अब गाइज यहाँ पे आपको बता दूँ, इसके बैटरी में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपग्रेड किया गया है। यहाँ पे जो इंडिया वेरिएंट लॉन्च हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे 6.67 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। साथ में आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 20:9 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो साथ आने वाला है। अब यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन के बारे में बता दो, 2400x1080p का रेजोल्यूशन साथ आने वाला है। यहाँ पे आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी। साथ में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे गाइस आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट साथ डिस्प्ले मिलने वाली, जो कि आपको डायनेमिक स्विच होएगा। यहाँ पे आप अपने कंटेंट के हिसाब से डिस्प्ले स्विच कर पाओगे, जैसे आपको 60Hz, 90Hz और 120Hz में स्विच हो जाएगा। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा है मुझे पोको की तरफ से जो आ रहा है फोन में। अब यहाँ पे आपको 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट के साथ आने वाला है डिस्प्ले, जो कि काफ़ी फास्ट होने वाला है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ में अगर इसके OS की बात करें हम लोग, यहाँ पे एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कॉलोकॉम स्नैपड्रॉगन 732G के साथ आने वाला है। अब यहाँ पे आपको GPU बताऊँ तो यहाँ पे आपको एड्रीनो 618 देखने को मिल जाएगा। साथ में हम लोग इसके रैम के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको LPDDR4X का रैम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको तीन वेरिएंट मिल जाएंगे स्टोरेज के साथ, जो आपको 6GB 64GB 6GB 128GB एंड 8GB 128GB। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स निकाल दिए गए। यहाँ पे आप एक्सपांड भी कर पाओगे अप टू 512GB तक। तो यहाँ पे आपको एक्सपांडेबल स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे आपको मेमोरी कार्ड स्लॉट के बारे में बताओ, यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी 1.0+ के साथ आने वाला है फोन, जो कि आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे कूलिंग सिस्टम मिल जाता है। अब गाइस हम लोग कैमरा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 64MP का प्राइमरी लेंस होने वाला है। यहाँ पे आपको सोनी IMX682 का यहाँ पे सेंसर देखने को मिलने वाला है सोनी का। अब यहाँ पे आपको 13MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2MP का डेप्थ सेंसर के साथ आपको 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे आपको नाइट मोड मिल जाता है। यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड के साथ आपको यहाँ पे स्लोमो मोड भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 960fps के साथ आपको स्लो मोशन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर फ्रंट कैमरा की बात करेंगे, इसमें यहाँ पे आपको 20MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिला था, जो कि आपको फ्रंट HDR के साथ आने वाला है। यहाँ पे आप शॉर्ट वीडियोस वगैरह भी क्रिएट कर पाओगे इस कैमरे के साथ। अब यहाँ पे आपको नाइट मोड भी देखने को मिल जाता है फ्रंट कैमरा में। गाइस यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बैटरी के बारे में। जैसे आपको बताया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिला है बैटरी का। कंपेयर करेंगे उसको यूरोप लॉन्च से, तो यहाँ पे आपको 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपको कंपेयर करें अगर यूरोप लॉन्च से, तो यहाँ पे आपको 5160mAh की देखने को मिली थी। तो यहाँ पे आपको 6000mAh की काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ में आपको 33W के पावर एडाप्टर साथ आने वाला है, जो कि आपको फास्ट चार्जिंग करके देगा। अगर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 2-in-1 का काम करके देगा। यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ का बटन के साथ आने वाला ही है। अब गाइस यहाँ पे आपको IP53 का यहाँ पे वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आने वाला है फोन। साथ में आपको यहाँ पे कनेक्शन के बारे में बताते हैं, यहाँ पे कनेक्टिविटी ऑप्शन जो मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, यहाँ पे वाईफाई मिल जाता है, यहाँ पे आपको GPS मिल जाता है, AGPS भी मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको USB-C Type पोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे 3.5mm के जैक के साथ आने वाला है हेडफोन जैक। यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको साउंड एक्सपीरियंस भी देखने को मिलने वाला है इस फोन में। अब यहाँ पे बात करेंगे जिसके बैक डिज़ाइन और यहाँ पे पैनल के बारे में, तो आपको पॉलीकार्बोनेट की प्लास्टिक देखने को मिल जाती है, जो कि प्लास्टिक फिनिश रहने वाला है। यहाँ पे आपको गाइस अगर एक कंपेयर करें पोको X2 से, तो यहाँ पे डाउनग्रेड किया गया है यहाँ पे बैक पैनल में, जो कि आपको पोको X2 में यहाँ पे ग्लास पैनल देखने को मिला था। यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट की फिनिश देखने को मिल रहा है, जो कि प्लास्टिक के साथ आने वाला है। यहाँ पे आपको इसमें केस लगा के रखना पड़ेगा, नहीं तो इसमें स्क्रैचेस वगैरह आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे आपको जो साइड में यहाँ पे बेजल देखने को मिल जाता है, वो आपको एल्युमिनियम के साथ आने वाले हैं। साथ में आपको यहाँ पे दो कलर ऑप्शन के साथ आता है ये फोन। यहाँ पे आपको कोबाल्ट ब्लू और यहाँ पे आपको ग्रे कलर के साथ आता है, जो कि आपको शेडो ग्रे इसका काम नाम दिया गया है। अब यहाँ पे गाइस आपको पीछे की तरफ पोको की बड़ी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको ठीक ठाक लग रही है। ज़्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी ब्रांडिंग दे दी गई है पीछे की तरफ। अब यहाँ पे प्राइस के बारे में बताओ, तो यहाँ पे आपको तीन वेरिएंट के अलग अलग प्राइजेस हैं। जैसे आपको जो 6GB 64GB वेरिएंट है, वो आपको 16,999 में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे 6GB 128GB वेरिएंट है, वो आपको 18,499 में देखने को मिल जाएगा। जो इसका लास्ट वेरिएंट है 8GB 128GB वेरिएंट, वो आपको 19,999 में देखने को मिल जाएगा, जो कि 20,000 रुपये में। अब गाइस यहाँ पे अगर इस प्राइस रेंज में लॉन्च और यहाँ पे लॉन्च कर दिया, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल जाएगा, जो कि ये
काफ़ी सारे फ़ोन लॉन्च होते हैं इस प्राइस रेंज में। जैसे आपको बताऊं यहाँ पे आपको Redmi की तरफ से Redmi Note 9 Pro Max भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको सिम लगभग यहाँ पे हर चीज़ देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देने वाला है इस फ़ोन को। साथ में आपको Samsung Galaxy M31 भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको Realme का यहाँ पे आपको 7 Pro भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको गाइस इसी प्राइस रेंज में आ रहा है। यहाँ पे आपको 7 यहाँ पे 7 Pro जो Realme की तरफ से आ रहा है, वहाँ पे आपको 8GB 128GB आता है, जो कि आपको 16,999 में देखने को मिल जाता है, जो कि 17,000। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इस अगर प्राइस रेंज में देखेंगे पोको X3 के साथ। तो यहाँ पे आपको फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।